हैदराबाद से चला है जिसे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो हमारी और आपकी आवाज बनकर आज इस पूरे उत्तर प्रदेश में दर दर भटक रहा है, लोगों के ताने सुन रहा है। किसके लिए? वो हमारे लिए, मजलूम, गरीब, कमजोर, शोषित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए। जब आपके बच्चों के हाथों में कलम की जरूरत थी तब उन्होंने हथकड़ी और हथौड़े पकड़ाने का काम किया। वो एक नेता है जो कहता है उसे करने में विश्वास रखता है। महासचिव महोदय, मैं इस पार्टी में आया ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बैठ जाओ आगे वाले, लेकिन एक अदना से गरीब कार्यकर्ता को जिसका वजूद सिर्फ इतना है कि वो संघर्ष कर सकता है, मेरा नेता, मेरा महबूब, मेरा माननीय सम्माननीय बैरिस्टर ओवैसी साहब जी, जो कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं शोषित, वंचित, दलित, गरीबों की आवाज बनने आया हूं, और जो कहते हैं उसे करने में विश्वास रखते हैं वो करके दिखाए इस गरीब कार्यकर्ताओं को आपके बीच ला। धन्यवाद अगर देना है, बधाइयां अगर देनी है, मुबारकबाद देना है, तो ये मुबारकबाद और धन्यवाद तब होगा जब हम और आप मिलकर उनके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। तुम संघर्ष करो, और खासकर साहिबाबाद विधानसभा की जो रूपरेखा है, इस साहिबाबाद विधानसभा में आदरणीय अध्यक्ष जी 10,24,000 मतदाता है। 10,24,000 मतदाता में 3,52,000 जिस समाज से मैं आता हूं, बिहार और पूर्वांचल से, वो मतदाता है, और 1,72,000 हमारे आप ईमान वाले। जब से साहिबाबाद विधानसभा का निर्माण हुआ तब से अब तक इन दोनों समाज के लोगों को साहिबाबाद का जो भी विधायक बना हो, चाहे वो सपा का बना हो, बसपा का बना हो या भाजपा का बना हो, सब ने इन दो समाजों को लूटने और कचोटने का काम किया। एक समाज मेरा है जो बिहार और पूर्वांचल कहलाता है। इन समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग और सपा बसपा के लोगों ने पूर्वांचली और हिंदू हिंदू कहकर उससे वोट तो ले लिया मेरे भाई, लेकिन जब मेरे बिहार के भाई को कोई काम पड़ा, जब मेरे पूर्वांचल के भाइयों को कोई काम पड़ा, तो उस समाज को धुतकारने का काम इन विधायकों ने किया। और दूसरा समाज है मेरा मुसलमान भाई, जो दिल का सच्चा है, एक बार जिसे अपना मान लेता है उस पर अपने सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है, उस मुसलमान भाइयों को भी कभी सपा ने, कभी बसपा ने, किसका किसका नाम बताऊं, किसने मिलकर लूटा है, सबने मिलकर लूटा है। और जब वो विधायक बना तो फिर वो आप पे ही जुल्म करने का काम किया। जब आपके बच्चों के हाथों में कलम की जरूरत थी तब उन्होंने हथकड़ी और हथौड़े पकड़ाने का काम किया, लेकिन ये वक्त इतिहास लिखने का है, ये वक्त अपने आने वाले बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल लिखने का है। अगर आज 10 दिन हम सो गए, अगर आज हम 10 दिन किसी के बहकावे में आ गए, तो निश्चित रूप से मान लेना कि एक मसीहा हैदराबाद से चला है जिसे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो हमारी और आपकी आवाज बनकर आज इस पूरे उत्तर प्रदेश में दर दर भटक रहा है, लोगों के ताने सुन रहा है। किसके लिए? वो हमारे लिए, मजलूम, गरीब, कमजोर, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए।
अगर हमने आज उनके हाथों को मजबूत नहीं किया तो निश्चित रूप से मान लेना आप मेरे साथियों कि आपकी मदद करने वाला कोई सात समंदर पार से आने वाला नहीं है। नहीं। मामा भैया, मामा भैया, कोई भी चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ता, कोई भी चुनाव प्रत्याशी अपने दम पे नहीं जीत सकता। चुनाव जीतता है वो सेनापति और सिपाहियों के ऊपर। हम तो आपके कहते हैं देसी भाषा में कि बंडमरू हैं। कोई इधर बुलाएगा अरे गामा यहाँ आ जा, वहां भाग के चला जाऊंगा। कोई इधर बुलाएगा वहां भाग के जाऊंगा, जिसका नहीं सुनूंगा उसकी गाली सुनूंगा। लेकिन असली जिम्मेदारी आपकी है बूथ से लेकर वोटर के घर तक जाना, उनके कानों में कन्विंस करना। तो विश्वास के साथ अध्यक्ष जी, जिस विश्वास के साथ हमें एमआईएम की सदस्यता दिलाई, एआईएमआईएम की जिम्मेदारी, उस विश्वास से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आपका भाई 22 साल समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। वो सेवा की कि अगर मैं 500 की दिहाड़ी कमाता था तो बच्चे घर में मांगते थे 300, तो उसे 200 रुपया देता था और 300 रुपया पार्टी के झंडे, पटके और रैलियों पे खर्च करने का काम करता था। लेकिन पार्टी ने हमारे काम को तो देखा, लेकिन हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने का। भैया थोड़े से पीछे हो जाओ, कमर भी टूटती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस जोशो खरोश से आप ओवैसी साहब की आवाज बनकर आज गली गली में घूम रहे हो, जो सम्मान आज आप मुझे दे रहे हो, अगर ऊपर वाले ने ताकत दी तो मैं विधायक नहीं बनूंगा, आपका सेवक बनूंगा। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए अभी वर्तमान चुनाव में तो मुझे माफ करना, और चुनाव के बाद अगर मैं गलती करूं तो जो सम्मान आज आप मुझे दे रहे हो तो आपको जूते मारने का भी हक मैं आपको देता हूं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या किस शब्दों से नवाजूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा अपने सभी साथियों से कि मेरे भाई, ये बड़ा ही समझ लो आप, वो वक्त आ गया है जिस वक्त को एक एक पल हमारे लिए कीमती है, और हम सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे आपके आस पड़ोस में कोई बिहार और पूर्वांचल के भाई रहते हो, संभव नहीं है कि हर बिहार और पूर्वांचल के भाइयों तक मैं पहुंच जाऊं, तो आप उनसे कहें कि तू भी, तेरा भी वही दर्द है और वही भी मेरा दर्द है, लेकिन तेरे दर्द को कम करने के लिए ओवैसी साहब तेरे बीच के बेटे को टिकट लेकर, जो कल तक तो किसी इस शर्मा कभी उस शर्मा को जिताने का काम करता था, आज तेरे पास अपना झाजी आ गया है, और जब झाजी और हाजी एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। जनाब साहिबाबाद विधानसभा के जनता से अपील करूंगा कि यहां पर जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कैंडिडेट हैं पंडित मनमोहन झा, आप इनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, जिनका सिंबल इंतखाबी निशान पतंग का है। साहिबाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जानते हैं कि लाखों की तादाद में हमारे पूर्वांचली भाई रहते हैं, वो मेरी बात से अग्री करेंगे, वो मेरी बात को मानेंगे कि वहां पर एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है। जब कोविड में लोग साहिबाबाद में हमारे पूर्वांचल के भाई बहन ऑक्सीजन अस्पताल के लिए तड़प रहे थे तो वहां का बीजेपी का मौजूदा विधायक कहीं पर नजर नहीं आया, अब तक एक अस्पताल वहां पर नहीं बना। आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ मेट्रो में नोएडा सेक्टर 62 में सिर्फ दो पिल्लर डाले गए और साहिबाबाद की जनता के लिए कोई ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है। बेरोजगारी साहिबाबाद और हस्तिनापुर और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मुखदर बनकर रह गया। ये डबल इंजन की बीजेपी योगी और मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगा है, खास तौर से पिछड़ा समाज के नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया। पीने का पानी खास तौर से साहिबाबाद में खोड़ा जैसे इलाके में साफ पीने का पानी उनको नहीं मिलता, तो ये तमाम मसाइल हैं। इसलिए मैं हस्तिनापुर और साहिबाबाद की जनता से अपील करूंगा कि 10 फरवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए
और खास तौर से हम साहिबाबाद के अल्पसंख्यक समाज के लोगों से एक दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि यहां से अगर आप पंडित मनमोहन झा को कामयाब करेंगे तो ये सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी, ये सही मानों में भाईचारगी की कामयाबी होगी, ये सही मानों में फिरका परस्ती की कम्युनिज्म की शिकस्त होगी। इस चीज के लिए हमको काम करना है और इसीलिए हम तमाम लोग मिलकर आए हैं। और मेरी आपसे अपील है कि 10 फरवरी के दिन आप वोट डालें इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लिए।